welcome to this session where we will be discussing all india mock for sbi po prelims 2017 yes this is a mock that we have already provided to you and it was a very difficult mock paper for sbi standards and yes talking about the difficulty level i must say that the reasoning and quant section were equally difficult and lengthy and the english section was totally of new pattern you all were struck with so many surprises in this mock and that is why you guys were obviously asking for the detailed solution and here we are providing you the detailed video solution of every section and i'll be today in this session discussing the solutions of english section okay so

What do I mean by saying five questions of vocab based? I mean that there were five questions in which they asked synonym or antonym. उसके बाद sentence restatement के दो question थे। Well, this is a new type। अगर आप लोग ये practice करते आ रहे हैं, तो obviously आपको इसकी थोड़ी आदत तब तक हो गई होगी। But कन्वेंशनल पैटर्न से अगर हम कंपेयर करें तो सेंटेंस रीस्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को उसके बाद ऑड वन आउट सेंटेंसेस का एक क्वेश्चन था वेल दिस इज समथिंग विच एस बी आई हैज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर इट्सल्फ ये अगर आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्पल प्रैक्टिस किया है तो उसी में ऑड वन आउट सेंटेंस का एक टाइप होता है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस दिए होते हैं जो एक सर्टेन पैराग्राफ बना रहे होते हैं मगर उनमें से एक सेंटेंस ऐसा होता है जो उस कंटेक्सट में फिट नहीं होता एंड यू गाइज आंसर तो इसका एक क्वेश्चन था देन यू हैड थ्री क्वेश्चन ऑफ डिटेक्शन इसी के साथ वर्ड यूजेज के दो क्वेश्चन थे वेल दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी न्यू और ये क्वेश्चन काफी सरप्राइज कर देते हैं स्टूडेंट्स को और उसके बाद आपके पास थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन वेल दिस इज नॉट कन्वेंशनल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं है, इसमें भी एक ट्विस्ट था और क्लोज टेस्ट आपका कन्वेंशनल था जिसके आपके दस क्वेश्चन थे और उसके बाद था एरर अमंग फाइव सेंटेंसिस एंड यू हैड वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ओके सो हेयर वी हैव द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वॉट ऑल क्वेश्चन इन दिस ऑल इंडिया मॉक फॉर एस बी आई पी ओर प्रम्स नाउ द बिग क्वेश्चन और द बिगस्ट चैलेंज ओवर हेयर इज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि अगर पेपर में इतनी सारी नई चीज़ें हैं या पेपर इस लेवल का है तो हम किस तरीके से उसे अटैम्प्ट करें स्पेसिफिकली इंग्लिश सेक्शन जिसमें बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एग्जामिनेशन में और इस अगर पेपर की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके गुड में कहूँगी तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप आठ से दस क्वेश्चन अगर कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ या आठ से दस कट ऑफ अगर आप मान के चल रहे हैं सो दैट इज़ फाइन तो किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जब पेपर इस लेवल का हो वेल येस फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर एनी पेपर इन बैंकिंग एग्जामिनेशन अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज अ मस्ट वाई एम आई सो बिकॉज यू गाइज आरड्रेड क्वेश्चन इज दैट प्रैक्टिकली इवन पॉसिबल टू डू ऑल हंड्रेड क्वेश्चन नो इट इज नॉट दैट इज वाई यू हैव टू एनालाइज दैट वॉट आर क्वेश्चन उट दिस एग्जामिनेशन अगर आपने ये ऑल इंडिया मॉक नहीं प्रैक्टिस किया था उस टाइम पे वेल ये मॉक आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू गाइज कैन गेट द लिंक्स ऑफ दिस मॉक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड आई वुड सजेस्ट टू यू दैट बिफोर वॉचिंग द डिटेल सोल्यूशन डू और अटेम्प्टैट मॉक योर सेल्फ फर्स्ट अगर आपने एक ये प्रैक्टिस कर लिया है ये मॉक टेस्ट दिया था उस टाइम पे सो वेल एंड गुड यू कैन कंटिन्यू वाचिंग दिस सेशन मगर अगर आपने ये मॉक उस समय नहीं दिया या आपसे मिस हो गया तो पहले इस पेपर को खुद से प्रैक्टिस करिए और एक टाइम कंस्ट्रेन के साथ प्रैक्टिस करिए येस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं या मैं 30 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश सेक्शन में होते हैं इनकी बात करूं तो हो तो जाएंगे मगर कितने टाइम में आपको करने हैं वो इम्पॉर्टेंट है एंड फॉर इंग्लिश सेक्शन आई विल से डू नॉट स्पेंड मोर देन 12 टू 15 मिनट्स व्हाई एम आई सेइंग सो बिकॉज रीजनिंग सेक्शन जो था इस मौका दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वॉज वेरी टफ एंड ट्रिकी क्वान सेक्शन वो सो लेंदी तो उन सब में भी आपको एक एडिक्वेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ तीनों सेक्शन का निकालना है एंड आपको एक पूरे पेपर का कट ऑफ भी निकालना होता है एग्जामिनेशन में सो ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट्स फॉर इंग्लिश इज इनफ बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स फॉक एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स फॉर रीजनिंग एज वेल सो दिस वॉज अबाउट ऑल दो थिंग्स दैट आर आस्ट इन दिस मॉक तो आइए अब हम डिटेल सोल्यूशन की बात करते हैं मूविंग अहेड फर्स्ट इन इंग्लिश वी हैड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दनवेंशनल वन वेल मैं इस मौक के सोल्यूशंस में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे गए थे उसी ऑर्डर में सॉल्व करके आपको बताऊंगी या उसी ऑर्डर में आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी But that is not necessary with you. While attempting the examination, while attempting the questions in the exam, you guys necessarily do not have to consider the order in which they are providing the questions to you. That is a bigger catch. You can choose the question in which you are comfortable with. And I would suggest that do RC at last. Yes. Why am I saying so? Because RC is relatively time consuming. You guys th know that very well. And you have to first look out for those questions which are not that much time consuming and which you can solve faster as compared to reading comprehension. And talking about reading comprehension over here, you clearly can see that we have 10 questions of RC. And before moving further, let me state that do read the directions of each and every question. Because in English, because in English language may direction language, be a change pure question. और हो सकता है वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाते अगर आपने उसकी डायरेक्शन सही से पढ़ ली होती इसलिए डायरेक्शन पे खासा ध्यान दें सब तो अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो एक सवाल आता है कि, कि किस तरीके से उस कम टाइम में या उस टाइम कंस्ट्रेन में रीडिंग कॉम्प्रीहशन के क्वेश्चंस करे जाएँ वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपके पास दस क्वेश्चन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दस के दस क्वेश्चन करने हैं स्पेशली जब पेपर का लेवल इतना टफ है डू नॉट टेक चांसेस वाल अटम्पटिंग दी क्वेश्चन तुक्केबाजी नहीं करनी है आपको किसी भी सवाल के साथ और दस क्वेश्चन में से इफ़ यू गैस फील कम्फर्टेबल इन फाइव क्वेश्चन और इन वो कैप तो उन्हें पहले कर दीजिए और अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूँगी कि कैप कर दीजिए तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ हैबिट्स डेवलप कर लेंगे अपनी डेली रूटीन में दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड येस दे आर सर्टन ट्रिक्स और सर्टन मेथोडोलॉजी दैट यू कैन अडेप्ट व अप्रोचिंग द क्वेश्चन ऑफ़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वॉट आर दो वेल येस आई विल भी डिस्कसिंग दैम बट फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू गाइज डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर्स जी हाँ अगर आप एक आदत डाल लेते हैं न्यूज़ पेपर्स पढ़ने की तो ये आपको बहुत मदद करेगा इस पार्ट आर सी में क्योंकि न्यूज़पेपर आप रोज धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और आप जल्दी से एक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या आपका पैसेज कह रहा है या क्या ऑथर आइडिया रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है ये ग्रेजुअली आपको आएगा समझ में बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड वोकेबुलरीर एंड नॉट ओनली दिस दिस ऑल्सो हैज़ वन मोर बेनिफिट दट यू विल ऑल्सो भी इम्प्रूविंग योर जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स So, moving ahead, the methodology that you can adapt and the first point is skimming. Yes. What do I mean by skimming? Skimming means read quickly for the theme of the given passage. आपको एक passage दिया गया है चाहे वो passage बड़ा हो छोटा हो आपको उस passage को at a glance या बहुत जल्दी आपको in between the lines read करना है This process is called skimming और ये करने से आपको कुछ आइडिया ले मिल जाएगा और आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने होंगे उस पैसेज में कि क्या थीम है पैसेज की किस बारे में वो पैसेज है आपको उसे एनालाइज करना है बहुत जल्दी इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाना है यू हैव टू बी वेरी क्विक वाइल्ड स्किमिंग बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास पाँच छः मिनट अगर आप सिर्फ इसमें दे देंगे पैसेज को स्किम करने में तो क्वेश्चंस कब करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस कब करेंगे सो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दिस पार्ट एंड देन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव इज मैपिंग डेटा वेल येस दिस इज इन द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अडाप्ट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट First, go through the passage at a glance and then map the data. You can map the data from paragraph to paragraph, or you can get some important key points and you can get a complete idea of what the author is trying to implicate or what the author is trying to say. And after that, what you have to do is you have to have a quick glance at the questions provided to you in the passage. रीड द क्वेश्चन वेरी क्विकली बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सवालों को पढ़िए और फिर उन सवालों को पढ़ने के बाद पैसेज से उनका जवाब ढूंढिए या पैसेज को फिर से एक नज़र देखिए तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि थीम ऑफ द पैसेज या फिर डिस्क्रिप्शन अगर इन क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं इनको नहीं ढूंढ पाऊंगा या फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा मेरे लिए तो इट्स बेनिफिशियल दैट ऑन टू सच क्वेश्चन नाउ लेट यी वॉट इज द पैसेज आई होप देट यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन द पैसेज और यू guys हैव ऑलरेडी uh, clicked ऑन द लिंक given इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके पास मॉक है इस समय तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार क्विकली स्कीमिंग प्रोसेस को कंप्लीट करिए और अपने डेटा आइटम्स को मैप करिए साथ ही साथ पढ़ते जाइए और इससे आप जल्दी सॉल्व करने का तरीका समझ जाएंगे सो दिस इज दैसेज तो आइए पढ़ते हैं हम भी आपके साथ द फर्स्ट पॉइंट सेज से फर्स्ट साइट इट लुक्स एज दो पंचायती राज लोअर लेयर ऑफ फेडरलिज्म इन आर पॉलिटी इज फर्मली एंट्रिस्ड इन आर सिस्टम एज इज द ओल्डर एंड हायर लेयर कंप्राइजिंग यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट Okay. Like the democratic institutions at the higher level, those at the panchayati level, the panchayati Raj institutions, PRIs, are written into and protected by the constitution. All the essential features which distinguish a unitary system from a federal one are much enshrined at the lower as at the upper level of federal system. But look closely and you will discover a fatal flaw. Okay, The letter of the Constitution, as well as the spirit of the present polity, has exposed the intra-state level of our federal system to a dilemma. of which the interstate and union state layers are free. Okay. This much I've read the passage. हम मैंने यहाँ तक ये passage पढ़ लिया है और यहाँ से मुझे एक idea पता चल रहा है इस passage के बारे में इस comprehension के बारे में that it is talking about the panchayati raj system or the PRIs that is panchayati raj institution जो मैंने यहाँ पे mark भी कर लिया है. और यहाँ पे एक फेटल फ्लॉ की भी बात हो रही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इफ यू लुक क्लोजली दैट यू विल डिस्कवर दैट द प्रेजेंट पॉलिटी स्टेट जो है हमारी जिसमें इंट्रा स्टेट लेवल की जो ये बात हो रही है बाय इंट्रा स्टेट दे मीन विद इन दी स्टेट इटसेल्फ जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो स्टेट लेवल पे काउंट होंगे इट इज ऑफ आर फेडरल सिस्टम टू अ डेलिमा ऑफ विच दी इंटर स्टेट एंड यूनियन स्टेट लेयर्स आर फ्री क्लियरली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ कोई डेलेमा रिलेटेड है या फिर कुछ इशूज रिलेटेड है जिनकी यहाँ पे बात करी जा रही है एंड द्राइंग टू एनालाइज वॉट ऑल दो इशूज आर सो टॉकिंग अबाउट दिस यहाँ पे एक और शब्द आप देख सकते हैं दैट इज फेडरलिज्म बाय दैट बॉर्ड वेल फेडरल मीन्स हैविंग अ रिलेटेड टू अस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सेवरल स्टेट्स फॉर्म अ यूनिटी बट रिमेन इंडिपेंडेंट इन इंटरनल अफेयर्स जैसे कि आप इंडिया की बात करें जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं ये दो ये सारे स्टेट्स मिलके एक यूनाइटेड फॉर्म बनाते हैं एक यूनिटी बनाते हैं मगर इनकी सरकार अलग होती है तो फंक्शनिंग में भी कहीं कहीं इंडिपेंडेंस है सो दैट इज़ वॉट इज फेडरलिज्म और फेडरलिज़म में यहाँ पर बात करी जा रही है स्टेट लेवल की भी सेंट्रल लेवल की भी और स्पेसिफिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो कि लोअर लेवल ऑफ फेडरलिज्म में आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट well, क्वेश्चन so, पहला सवाल हमारे पास आ गया है एंड दैट इज देंट्रल थीम ऑफ पैसेज कैन बी बेस्ट समराइज एज दिस इज अ क्वेश्चन विच माई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन मेनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट ए टू आर सरप्राइज इस लेवल में भी हमने जब पहला पैराग्राफ पढ़ा था तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया था कि ये पैसेज की थीम क्या हो सकती है आइए सबसे पहले लेटेस्ट गो थ्रू वेरी क्विकली ऑप्शन ए सेज और ग्रास रूट डेवलपमेंट एट द पंचायत लेवल इज नाउ ड्रिवन बाय फॉरन एट सिंड्रोम वेल दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड आई डों थिंक देर टॉकिंग अबाउट इट ओवर हेर इन दिस पैसेज ऑप्शन बी कह रहा है कि पंचायती राज इज फॉर्मली इंट्रुनस्ड एट दी लोअर लेवल ऑफ और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेल, आई थिंक सो जो हमने पहले पैराग्राफ में स्कीमिंग करी थी उसी में हमें पता चल गया था कि वो इस चीज़ के तो अगेंस्ट में बात हो रही थी दिस इज़ टोटली रॉन्ग आई थिंक सो इन कंटेक्सट ऑफ द गिवन पैसेज क्योंकि वहाँ पे किसी दिक्कत की बात हो रही थी किसी फ्लॉ की बात हो रही थी या फॉल्ट की बात हो रही थी ऑप्शन सी कह रहा है अ ट्रूली फेडरल पॉलिटी नॉट नॉट डेवलप्ड सिंस बीन अलाउड नेसेसरी पॉलिटिकल स्पेस वहां पे अगर आप याद करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही ब्रैकेट में लिखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए देन यू हैव ऑप्शन डी जिसमें कहा जा रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पार्टीज आर एंगेज इन अट्रगल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ओके तो ऑप्शन ई e है नन ऑफ द अबव वेल ये जो ऑप्शन ई e है आपका ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज मेनी टाइम्स इज अगर आप चार ऑप्शन पढ़ते हैं और आपको नहीं लगता कोई सूटेबल ऑप्शन तो आप जल्दी से नन ऑफ द अबव टेक कर देते हैं बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज पूछी जा रही है या व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि नन ऑफ दी अबव ही सही आंसर हो स्पेशली uh, इस क्वेश्चन के लिए तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से ही मिल जाता है आइए देखते हैं Well, in this paragraph, which is the first paragraph of your given uh, passage or the comprehension, if terms ko written is line, ko hai, the, uh, those at the panchayat level, the panchayati raj institutions, as I told you, PRIs were panchayati raj institutions, are written into and protected by the constitution. All the essential features which distinguish a unitary system from a federal one are much enshrined at the lower level as at the upper level of a federal system but look closely and you will discover a fatal flaw the letter of the constitution as well as the spirit of the present polity has exposed the intrastate level interstate se yaha matlab ho raha panchayati raj institution ka of our federal system to a dilemma of which the interstate and union state layers are free the flaw has many causes So, is line se पढ़ के हमें काफ़ी आइडिया मिल गया कि हमारे फेडरल सिस्टम में पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक डेलिमा में हैं और वो डेलिमा इंटर स्टेट और यूनियन यूनियन स्टेट से मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे तो यूनियन आ, स्टेट और इंटर स्टेट लेवल्स उस डेलिमा पे अभी एक्सपोज नहीं है मगर हाँ ये डेलेमा इफेक्ट कर रहा है स्टेट लेवल और पंचायती राज को तो जो हमारे पास सवाल था उसमें ऑलरेडी हमने देख लिया था बिकॉज वी रूल्ड आउट टू ऑप्शन ये बहुत ही uh, ये अगेंस्ट में था ऑप्शन बी एंड दिस ऑप्शन रेलिवेंट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पार्टीज आर एंगेज इन अ स्ट्रगल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देर परसपेक्टिव और एक ऑप्शन सी हमारे पास आता है जहां पे हमने कहा है अ ट्रूली फेडरल पॉलिटी हैज नॉट डेवलप्ड सिंस पी आर आईव नॉट बीन अलाउड द दी पोलिटिकल स्पेस जी हाँ बिल्कुल पैसेज में कहीं पे भी डायरेक्टली ये लाइन यूज़ नहीं हुई है ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर में लाइन आपको दी जा रही है वो पैसेज में एज इट इज़ यूज हो मगर पैसेज पढ़ने के बाद और उन लाइंस को एनालाइज करने के बाद जो कि पैराग्राफ वन में ही थी इनफैक्ट वी कैन से यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज हे आर ऑथर इज Clearly saying that there is some issue with the Panchayati Raj institutions and that dilemma is stopping from the system to be a truly federal polity, and that is what this option C is saying itself. So, ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है मगर अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं या आप पजल्ड हो जाते हैं आई वुड सजेस्ट टू स्किप ऑन टू दीज क्वेश्चन ये क्वेश्चन इस पैसेज में आपको फर्स्ट पैराग्राफ से मतलब मिल गया मगर ज़रूरी नहीं है कि हर पैसेज या हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इतनी जल्दी या फर्स्ट पैराग्राफ से ही आइडिया मिल जाए तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन वे दे आस्किंग यू सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज

इस सेंटेंस का क्या सार होगा या फिर इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको ये सेंटेंस रेफर कर रहा है आइए एक बार जल्दी से ऑप्शंस भी देख लेते हैं ऑप्शन ए e कह रहा है द वीकनिंग ऑफ द लोकल दूशन एबिलिटी टू प्लान अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑप्शन बी इज सेइंग द इंक्रीजिंग डिमांड्स मेड ऑन इलेक्टेड लोकल लीडर्स टू मैच सेंट्रल ग्रांट विद लोकल कंट्रीब्यूशंस ऑप्शन सी इज ऑफ द पंचायत सिस्टम एज इम्प्लीमेंटर्स ऑफ स्कीम फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स

मैं इससे दो लाइन ऊपर से पढ़ना शुरू करूंगी टू गेट द कंप्लीट आइडिया बाई यूजिंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस एंड नॉन इलेक्टेड पैरल स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट है पी आर आईज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गिवेन द अपर हैंड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगेंस्ट द इलेक्टेड हेड्स ऑफ पी आर आईज फिर से मैं आपको बता देती हूँ ये पी आर आईज रिफर करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पंचायत एंड बिकम मोर लोकल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्कीम ड्रॉन अप इन स्टेट कैपिटल्स एंड देयर ओन वायलेशन हैज़ बीन फर्दर सर बाई द प्लेथोरा ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगे हुए रोकों की रिस्ट्रिक्शंस की जहाँ पे उनके ऊपर कुछ लगाम कसी गई है या फिर उनका वॉयलेशन हो रहा है किसी भी प्रकार से तो आइए देखते हैं क्या थे हमारे ऑप्शन वेल ऑप्शन ए वॉज द वीकनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन एबिलिटी टू प्लान अकॉर्डिंग टू देयर नीड बिल्कुल इस कंटेक्स में ऑप्शन ए ही सही आंसर है क्योंकि अगर आप उस लाइन को पढ़ेंगे जो लास्ट पैराग्राफ में दी गई है तो उसका मतलब डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट को रिफर करता है तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ए ही सही आंसर मिल गया और अगर हम बाकी लाइंस की बात करें इंक्रीजिंग डिमांड मेड ऑन इलेक्टेड लोकल लीडर मैच सेंट्रल ग्रांट विद लोकल कंट्रीब्यूटर्स बिल्कुल नहीं द एम्पावरिंग ऑफ पंचायती सिस्टम एम्पावरिंग की तो वहाँ बात ही नहीं हो रही थी द प्रोसेस बाय विच द प्रिस्क्राइब सेंट्रल स्कीम आर रीफॉर्मुलेटेड बाई इलेक्टेड लीडर्स ये सारे ऑप्शन जो हैं उस कंटेक्सट में इलेवेंट है और नन ऑफ दी अबव हमारा ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ करेक्ट आंसर अमंग द गि ऑप्शन इट सेल्फ लेट इस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जो हमारे पास है वॉट इज द डेलीमा ऐट दी इंटरस्टेट लेवल मैंशन इन दर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज वेल हमने पहले पैराग्राफ को ऑलमोस्ट दो बार पढ़ लिया है और वहाँ पे साफ साफ डेलीमा या फिर फेटल फ्लॉ की बात हो रही थी तो अगर मैं उस लाइन को आपके लिए नरेट करूं और अगर आप उस पैसेज को देखेंगे तो उस लाइन में कहा गया था कि द लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द स्पिरिट ऑफ प्रेजेंट पॉलिटी हैज़ एक्सपोज द इंट्रा स्टेट लेवल ऑफ अ फेडरल सिस्टम टू अ डेलिमा ऑफ विच दी इंटर स्टेट एंड यूनियन स्टेट लेयर्स आर फ्री इसे हम अभी देख चुके हैं और आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं ऑप्शन ए इज़ शुड द स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट मोर स्पेस फ्रॉम द यूनियन बिफोर कंसिडरिंग टू दी पंचायती सिस्टम बिल्कुल नहीं यहाँ पे ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में किसी इशू की बात हो रही है शुड द स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट मोर स्पेस फ्रॉम द यूनियन तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेस ले लेनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट से मगर उस डेलेमा में तो इंट्रा स्टेट लेवल यानी कि हमारे पी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हुई थी तो आइए देखते हैं ऑप्शन बी क्या है एंड दैट शुड दी दाइट सिमिलर टू दोज दैट The state managed to get be extended to panchayat as well. Well, this is very similar to what the line in the passage was saying. The next option that we have is should the single party system, which has withered away, be brought back at the level of the states? line dilemma fatal flaw use Then we have should the state get their. proud देन वी हैव शुड दाउंड ऑफ फ्लैशंग यूनियन गवर्नमेंट टू पास लॉज एनी मोर तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच की बात हो रही है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को रेफर करा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये भी हमारे कंटेक्स में फिट नहीं हो रहा है सो टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बीट से राइट सिमिलर टू दो स्टेट मैनेज टू गेट बी एक्सटेंडेड टू पंचायत वेल We see this line and ये बिल्कुल वही लाइन है जिसके बारे में बात हो रही थी फर्स्ट पैराग्राफ में ही कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास राइट्स नहीं है सिमिलर टू स्टेट लेवल या फिर उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ये एक फ्लॉ है जो पूरे फेडरल सिस्टम में है जो एक फेडरल सिस्टम को ट्रूली फेडरल नहीं होने दे रहा तो यही वो डेलीमा है जिसकी बात हो रही थी एंड दिस इज आर करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू दैक्स क्वेश्चन अगला सवाल जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर एंड मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब्स द द फेटल फ्लॉ दैट पैसेज रिफर्स टू वेल फेटल फ्लॉ की बात करें तो हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इसमें बिकॉज इन द फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप याद करें तो फेटल फ्लॉ की बात शुरुआती कुछ लाइनों में ही कर दी गई थी लेट हैव एट द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड टू अस पहला ऑप्शन कह रहा है द फेस इन विच द डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क्स In an assertively pluralistic society like India's are flawed. Option B, the mechanism that a federal system uses at the union government level to deal with states are imperfect. Option C carry the instruments that have ensured federalism at one level have been used to achieve the opposite at another level. Okay? Then we have option D, which says the Indian Constitution and the spirit of the Indian polity are fatally flawed.

तो इस लाइन को तो, तो मैं आपके सामने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आगे बढ़ते हैं द फ्लॉ फ्लॉ की यहाँ पे बात करी गई है द फ्लॉ हैज मैनी कॉजेस तो ये फ्लॉ था और फ्लॉ के जो बहुत सारे कॉजे थे वो बताए गए हैं बट ऑल ऑफ देम आर रूटेड इन अ हिस्टोरिक एनोमली दैट वायल्ड द डायनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव गिवन एड इट स्ट्रेंथ टू द राइट्स गिवन टू द स्टेट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन दे हैवर्कड अगेंस्ट राइट्स ऑफ पंचायत तो यहाँ पे साफ साफ आपसे बात करी गई है कि जो राइट स्टेट को दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ने स्टेट लेवल पे तो स्ट्रेंथ ऐड करी मगर वो पंचायत के खिलाफ काम करने लगे या पंचायत के फेवर में काम करने नहीं लगे एट बोथ लेवल्स ऑफ आ फेडरल सिस्टम देयर इज दी सेम टसल बिटवीन दोज हु हैव सर्टन राइट एंड दोज हु ट्राई टू एंक्रोच अपॉन दैम इफ दे बिलीव दे कैन तो यहाँ पर आपने पढ़ लिए हैं वो लाइंस जहाँ पे फेटल फ्लॉ और उसके कॉजेज़ की बात करी गई थी तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कहा गया है द वे इन विच द डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क इन एन प्रोलिस्टिक सोसाइटी इन इंडिया फ्लोर तो ये तो बिल्कुल हमारा रूल आउट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम के बारे में कोई फ्लॉ के उसमें मैंशन नहीं किया गया था कि इसमें कोई खामी है ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में कहा द मेकेजम दैट आ फेडरल सिस्टम यूजेस एट द यूनियन गवर्नमेंट लेवल टू डील विद स्टेट आर इम परफेक्ट तो ये अगर आप देखें तो यह स्टेट और यूनियन यानी कि सेंटर सेंट्रल लेवल की बात हो रही है तो स्टेट और सेंट्रल लेवल में तो कोई फ्लॉ उन्होंने बताया ही नहीं बताया क्या था इंट्रा स्टेट लेवल यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जो दिक्कत थी जो फ्लॉ था उसकी बात हुई थी ऑप्शन सी अगर हम पढ़े द इंस्ट्रूमेंट दैट बीन यूज टू अचीव द अपोजिट एट अनदर वेल येस दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जो लाइन मैंने आपको भी पढ़ के दिखाई थी जो आपने यहाँ पे देखी उस लाइन में साफ़ कहा गया था कि स्टेट लेवल में जिन राइट्स ने एम्पावर किया है इंस्टीट्यूशंस को या फिर स्टेट लेवल पे जो फ़ायदेमंद साबित हुए वो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल्स हैं यानी कि पंचायती राज लेवल्स हैं वहाँ पे उनके अगेंस्ट में चले गए तो वही इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने फेडरलिज़म को एक लेवल पर अच्छा किया या फिर स्ट्रेंथन किया दूसरे लेवल पर उनका उल्टा ही असर हुआ जो कि ये लाइन कह रही है देन यू हैव ऑप्शन डी

को बहुत जल्द या कम समय में ऑप्शन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं वेयर एज अगर आप एक एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे, you guys clearly do not have that much time. तो आइए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ट कैप्चर्स द करेंट स्टेट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पैसेज ओके तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है

एनालाइज करते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एंड इफ यू गाइज रीड दीज लाइन्स दस द यूनियन गवर्नमेंट वॉज एबल टू एनक्रोच अपॉन सर्टन रिवन टू द स्टेट्स दाई कॉन्स्टिट्यूशन इट गॉट अवे विद दैट बिकॉज द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम विच कैरेक्टराइज सेंट्र स्टेट रिलेशन फॉर क्लोज अपॉन टू डिकट्स गेव द पार्टी इन पावर

सेंटर स्टेट रिलेशनशिप फॉर अप टू क्लोज डिकेज और वो चली गई और वो जो सिस्टम था उसमें यूनियन लेवल को कुछ एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पावर्स थी तो यानी कि अभी हमारे पास जो मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया है वो एक रिप्लेसमेंट है पुराने सिस्टम का तो आइए अगर हम देखें कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या थे और उससे पहले यहाँ पे कुछ लाइंस और हैं जो हिंट कर रही हैं इस आंसर को द स्पर्ट गिवन टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बाई द्रो ऑफ एमरजेंसी इनटीन सेवन बिकेम अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द वेज इन विच अ विगरसली डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क इन अ पोलिटिकल सोसाइटी विच इज अटवली प्लोरलिस्टिक एज इंडियन सोसाइटी इज इट गिवस पोलिटिकल क्लाउड टू ऑल द वेरियस सेगमेंट्स ऑलियसमेंट्स दोसाइटी तो और इसके बाद अगर हम इस लाइन को पढ़ें थर्डली with सिंगल पार्टी dominance बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट एट द यूनियन लेवल governments कैन बी formed एट दैट लेवल ओनली by मल्टी पार्टी coalitions इन which स्टेट लेवल पार्टीज आर मेजर प्लेयर्स तो यहाँ पर जो बात करी गई है कि पहले सिंगल पार्टी सिस्टम था और उसके बाद डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए वी हैड अ डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम तो आइए देखते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन को Well the question that we have is it is asking about the current state of Indian federalism. So the options that we had was the Supreme Court has not begun to extend the limits of its power. Well this is not in relation with the context job nearby, but the multi party system has replaced the single party system. bilkul बिल्कुल ये ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही आंसर है क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा था कि किस तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम आया पहले हमारे पास सिंगल पार्टी सिस्टम था उसकी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए वी हैड अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड देन इफ यू सी ऑप्शन सी द यूनियन स्टेट एंड पंचायत राज लेवल्स हैव बिकम रियल इसकी तो वहाँ कोई बात भी नहीं करी गई थी एंड देन यू हैव देयर इज रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेवल पार्टीज वेल This passage is not really about the real distribution of power between union and state parties, and clearly that is why we have option B as the correct answer. Let us move on to the next question. Well, आपने अभी तक देखा आपके पास पांच questions थे RC के जो आपके passage पे based थे और उसके बाद ये जो पांच questions होंगे आपके अब वो cap पे based होंगे। तो ये पांच क्वेश्चन वो कैप पर बेस भी आप चूज कर सकते हैं पहले सॉल्व करने के लिए बिकॉज वॉट यू गाइज हैव टू डू दैट इफ़ यू कैन सी दिस वर्ड एंड एंड द डायरेक्शन द डायरेक्शन इज सेम चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मोस्ट सिमिलर मतलब ये आपसे सुनने पूछ रहे हैं इन द मीनिंग टू दी वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज इन दी पैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द का एक ही मतलब हो शब्द का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है और जिस प्रकार से यूज किया गया है वो शब्द पैसेज में द वे इन विच द वर्ड इज़ बींग यूज इन दंटेक्सट ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ द लाइन और द आइडिया यू हैव टू टेक दैट मीनिंग एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फाइंड the synonym इन these questions.

और इन क्वेश्चंस को करने के लिए व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द लाइन इन विच दिस वर्ड इज गिवन टू यू इन दैसेज इट सेल्फ एंड समाइम्स इवन बाय रीडिंग द लाइन यू कम अप विद द मीनिंग यू गेट टू नो द मीनिंग इन विच इट इज यूज और हो सकता है आपको इसका आंसर पता चल जाए तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एंट्रेंच लेट इस सी वेयर दिस वर्ड इज बींग यूज इन द पैसेज एट फर्स्ट साइट इट लुक्स एज दो

now we have endowed let us see the line in which there is endowed the amendments were allowed only after it was agreed that the powers of panchayats could be listed in the constitution illustratively they would be defined and endowed on pris by the state legislature acting at its discretion well इस लाइन को अगर आप देखें इलस्ट्रेटिवली दे वुड बी डिफाइंड एंड इंडोव ऑन दी तो इसमें साफ साफ आपको पता चल रहा है एंडोव का मतलब जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है प्रोवाइड विद द क्वालिटी और एबिलिटी और एसेट यानी कि टू गिव और टू प्रजेंट अगर आप देखेंगे कि एंडोव्ड का इस्तेमाल इस लाइन में हो रहा था बट आई टुक अ लाइन अहेड मैंने एक लाइन ऊपर से भी पढ़ी या पहले से भी पढ़ी टू तो गेट द दम्प्लीट आइडिया सो एंडोव इन द सेंस विच इज इटिंग

so so in this question 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 well it is question number 78, so clearly the last question of synonym part so, तो जो शब्द हमें दिया गया है यहाँ पे दैट इज एंक्रोचमेंट तो आइए देखते हैं कि किस लाइन में इस्तेमाल हुआ है इस शब्द का बट हैविंग एट लास्ट मैनेज टू चेक the देंटर एंक्रोचमेंट

यहाँ पर हमें और ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी वी गॉड द आंसर इन ट्रूशन फ्रॉम द मीनिंग इन विच इट इज़ बींग यूज इन दी कंटेक्ट इट सेल्फ तो आई ये और यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें दी गई है यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ड विच इज अपिट इन मीनिंग टू दी वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज इन दी पैसेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मीनिंग उस मतलब को आपको रेफर करना है जो मतलब बनता है उस शब्द का जिस कंटेक्स में उसे इस्तेमाल किया जा रहा है पैसेज में ना कि अगर आपको एक ही मतलब उसका पता है तो जरूरी नहीं है कि वही मतलब है उस शब्द का इस पैसेज के यूजेज में तो हमें मोस्ट अपोजिट या फिर हमें एंटोनिम्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। पहला शब्द जो हमारे पास है दैट इज़ ब्रेस्ट आइए देखते हैं कि इस कंटेक्स में या फिर कहाँ इसे इस इस्तेमाल किया गया है एंड द लाइन इज By the time the PRIs came on the screen, most of the political space in a federal system had been occupied by the centre in the first 30 years of independence and most of what was still left after that was occupied by the state in the next 20. PRIs, pe aapko bata chuki yun, PRI to Panchayati Raj Institution. Ko refer kar raha hai. PRIs might have hoped to wrest some space from their immediate neighbour, the states, just as... स्टेट्स हैड रेस्टेड सम द सेंटर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है क्लियरली फोर्सिबली पुल या छीनने की बात हो रही है और टू गेट होल्ड ऑन समथिंग तो यही शब्द का मतलब है यहाँ पे रेस्ट का मतलब जो यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज फोर्सिबली पुल और स्टैच और टू गेट होल्ड ऑन समथिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट टू गेट होल्ड ऑन सम स्पेस और सम राइट्स फ्राम दी स्टेट एंड दे आर ऑल्सो रिफरिंग दैट स्टेट हैज ऑल्सो डन समर विद देंटर

All the essential features which distinguish a unitary system from a federal one are much enshrined at the lower as at the upper level of a federal system. वेल well, इस शब्द को यहाँ पे जिस कंटेक्स में यूज़ किया गया है इसका क्लियरली मतलब हमें पता चल रहा है दैट इज टू बी इनकारपोरेटेड और प्रॉपरली प्लेस्ड तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है that all the essential features which are distinguish which distinguish a unitary system jo ek unitary system ko ek federal se alag karti hain wo bahut hi properly placed hain enshrined hain ya boh, incorporated hain lower level mein bhi utni hi jitni honi chahiye upar ke levels mein ek federal system hamare federal system mein तो यहाँ पे हमें enshrined का मतलब तो पता चल गया that is incorporated or properly placed and looking at the words we have one word that is discretized

तो अब तक हमने जो सारे क्वेश्चन करे थे टोटल ऑफ टेन क्वेश्चन जिसमें से पांच क्वेश्चन आपके वो कैबलरी बेस्ड थे जिसमें से आपने एंटोनिम और सिनोनिम फाइंड किए और पांच क्वेश्चन आपके आर सी पे बेस्ड थे तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रशन पार्ट खत्म हो गया है एंड देन हैव एन अदर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको चार स्टेटमेंट दी गई है विच एक्सप्रेस द सेम आइडिया यानी वो चारो स्टेटमेंट किसी एक ही पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बात कर रही है चूज दैट इज मोस्ट कंसाइज एंड क्लियर यानी की जिस अल्टरनेटिव से वो आइडिया सबसे बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है बेस्ट एंड क्लियरली आपको वो चूज़ करना है ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सेलेक्ट दी ग्रामेटिकली करेक्ट तो ये एक कैच था सिर्फ वो आइडिया ही रिप्रजेंट होके नहीं आना चाहिए बल्कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वो सेंटेंस चुनना है जो उस आइडिया को भी रिफ्लेक्ट करे और साथ ही वो एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो स्टेटमेंट एप्शन ए असिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप्स अमंग्रेक्ट ब्यूरोक्रेसी एंड दोलिटिशियंस एंड बाय अर्ज नंबर ऑफ डिवाइस कॉस्ट आर आर्टिफिशियज जनरेटेड बाय

असम्बायटिक रिलेशनशिप डेवलप्स अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स ब्यूरोसी एंड पोलिटिशियंस कॉस्ट आर आर्टिफिशली एस्किलेटेड विद द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसिस एंड ब्लैक मनी इज जनरेटेड थ्रू अंडर हैंड डील्स वेल ये तो आप सभी जानते हैं कि इन सब जहाँ पर ब्यूरोट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिशियंस एक साथ ऐसे मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक उनके म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ऑप्शन बी हमने देख लिया ऑप्शन सी है असम्बायटिक रिलेशनशिप डेवलप्स अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स

यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्टर्स कहा गया है ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियंस यहाँ पे कहा गया अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस यहाँ पे फिर से कहा गया अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स द ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियन आइए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एंड इट से रिलेशनशिप डेवलप्स अमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस एंड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस कॉस्ट आर आर्टिफिशियली एंड ब्लैक मनी इज जनरेटेड बाय डील्स तो यहाँ पे जो द का यूज़ किया गया है ऑप्शन ए में ऑप्शन सी में एंड ऑप्शन डी में ये इिलिवेंट है क्योंकि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर या उस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट के तरफ इशारा नहीं हो रहा है एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे कही गई है यहाँ पे द इनकरेक्टली यूज़ हुआ है द का यहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए था तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचता है जिसमें द का इनकरेक्ट यूज नहीं है दैट इज ऑप्शन बी एंड इट सेज सिंबायटिक रिलेशनशिप डेवलप्स अमंग

जो आपके पास पांच सेंटेंस दिए गए हैं चार तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना रहे हैं मगर वो एक सेंटेंस ऐसा है जो इस कंटेक्स में फिट नहीं होता आपको वो सेंटेंस ढूंढना है और वही आपका इसमें जवाब होगा तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन ए से द रेफरेंस रे टू चाइना अ कंट्री दैट हैज कोटिंग पाकिस्तान फॉर सेवरल ईयर थ्रू नंबर ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग असिस्टेंस इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी रेफरेंस की बात करी जा रही है यहाँ पे आफ्टर द यूरी अटैक्स पाकिस्तान स्पेशल कश्मीर एन वी मुशाहिद हुसैन सैद डिक्लेयर दैट द यू एस वॉज अ वनिंग पावर सजेस्टिंग दैट पाकिस्तान वो सीकिंग आउट अदर एलाइज दैट यहाँ पे कुछ सजेस्ट किया जा रहा है सजेस्ट किया, किया जा रहा है दैट पाकिस्तान वो सीकिंग आउट अदर एलाइज और यहाँ पे रेफरेंस की बात करी जा रही है तो ऑप्शन बी के बाद ए आ सकता है अगर हम देखें तो हमारा साथ में यहाँ एक पैटर्न भी बनेगा बी एंड देन ए बी में यूरी अटैक की बात करी गई कहा गया कि यूरी अटैक के बाद पाकिस्तान स्पेशल कश्मीर एन वर्शेद हुसैन सईद डिक्लेयर दैट द यू एस वॉज बर्निंग पावर सजेस्टिंग कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और दूसरे एलाइज़ को सीख कर रहा है उनसे हेल्प ले रहा है और यहाँ पे रेफरेंस किया गया चाइना को आगे बढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न रिलेटेड टू पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान बिटवीन वोटरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सपोर्टर्स ऑफ मिलिटेंसी ऑप्शन डी है दिस कॉरिडोर व्हिच इंक्लूड्स रोड रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ चाइना टू अवॉइड द वल्नरेबल इंडियन ओशन रूट करंटली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम द गल्फ सी और डी में तो हमें कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा अभी तक ना ही हम कोई रिलेशनशिप बता पा रहे हैं ऊपर के सेंटेंसेस बी और ए के साथ इन दोनों का क्या पता अगला सेंटेंस पढ़ के हमें पूरी स्टोरी पता चले आई अगला सेंटेंस पढ़ते हैं दैट इज ऑफ लेट हैज बीन मच टॉक ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट स्ट्रेच फ्रॉम दी ऑटोनोमस रीजन ऑफ जिनजांग टू दी ग्वादर पोर्ट ठीक है हमने बी में पढ़ा था कि हमने सबसे पहले बी में पढ़ा था कि पाकिस्तान है इट इज़ सीकिंग आउट अदर एलाइज और वहाँ पे ये चीज़ सजेस्ट करी गई थी और इस सजेशन को रेफर यहाँ पे किया गया था कि जो रेफरेंस है दैट इज़

हमारा ई बिल्कुल फिट हो रहा है कंटेक्स्ट में और इसके बाद अगर हम बात करें दिस कॉरिडोर दिस कॉरिडोर जो है वो यहां ऑप्शन नंबर जो हमारा ई था स्टेटमेंट ई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इसी रिफर कर रहा है दिस कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो दिस कॉरिडोर विच इंक्लूड्स रोड रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ चाइना टू अवॉइड द वल्नरेबल इंडियन ओशन रूट यानी इंडियन ओशन का जो वल्नरेबल रूट है वो उसको छोड़ के दूसरा रास्ता अपना सकता है इस कॉरिडोर के जरिए जा सकता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑयल फ्रॉम द गल्फ तो ऑप्शन ई के बाद हमारा ऑप्शन डी मैंडेट्री पेयर बन गया है अगर आप देखें आपको क्लियरली इस पैसेज में दो मैंडेटरी पेयर मिल चुके हैं फर्स्ट इज बी एन ई एंड देन यू हैव ई हैवीन डी सो आपके पास बचा क्या आपके पास बचा ऑप्शन सी क्योंकि आपने ऑलमोस्ट पूरा पैसेज बना लिया है देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है जहाँ पे मैंने क्योंकि इसमें बन रहा रेफरेंस हो रहा था एक के बाद एक हमें मैंडेटरी पेयर्स मिल गए तो हमने बहुत इजीली यहाँ पे सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लिया और उसके बाद कंटेक्स के बाहर हमारे पास ऑप्शन सी बचा क्योंकि ऑप्शन सी कह रहा है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न दैट रिलेट्स टू द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान बिटवीन वोटरीज ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सपोर्टर्स ऑफ मिलिटेंसी ये बिल्कुल भी uh, ना इस सिचुएशन को रिफ़र कर रहा है ना ही ये स्टेटमेंट uh, कॉरिडोर की बात कर रहा है सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ करेक्ट आंसर और इससे रिलेटेड अगर आपके पास जब सवाल पूछे गए हो सकता है इस पैसेज के साथ आपसे एक और सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि अगर आप इन्हें अरेंज करेंगे तो क्या सही ऑर्डर होगा तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यू हैव यू आंसर ओवर हमने यहाँ पे वो आंसर भी निकाल लिया है दैट इज बी ए ई डी और आपको आउट ऑफ दंटेक्स जो स्टेटमेंट है ऑट वन आउट वो भी पता चल गई दैट इज ऑप्शन सी तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट है इज एनील एरर ठीक है आपसे ग्रामेटिकल एरर या आइडियोमैटिक एरर पूछी जा रही है सेंटेंस में द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस तो आपको बता दिया गया है कि एक ही पार्ट में एरर है यानी एक ही ऑप्शन आपको चुनना है इफ देर इज नो एरर तो आप ऑप्शन ई दैट इज नो एरर आप ये मार्क करेंगे तो आइए देखते हैं आपसे ये भी कहा गया है कि अगर कोई पंक्चुएशन एरर है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए तो जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हेल्प टाटल ड्राउट दवर्नमेंट ड्राउट का मतलब होता है सूखा पर जाना अकाल पर जाना द गवर्नमेंट डे मच अटेंशन टू दिसके हम इसे दोबारा पढ़ते हैं ऑल द इंटर हेल्प टैकल ड्राउट द गवर्नमेंट डज नॉट पे मच ये दोनों लाइन भी यहाँ पे सही है अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट वेल इस केस में इस एर डिटेक्शन में हमारे जो चार पार्ट दिए गए हैं चारो सही है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई नो एरर क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फाइव डिफरेंट सेंटेंसेस आर गिवन आपको पांच सेंटेंस दे दिए गए हैं रीड इट केयरफुली एंड चूज द वन व्हिच हैज एंड चूज द वन विद ग्रामेटिकल एरर इन इट यानी कि इन सेंटेंस में से आपको वो सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है यानी कि ग्रामर से रिलेटेड एरर हुई है तो यानी कि चार सेंटेंस आपके सही हैं और आपका एक सेंटेंस इसमें गलत होगा तो वही आपका आंसर होगा आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं नो मिलिटेंसी हैज एवर बीन कपय ट्रीटिंग एवरी सिविलियन रेसिडेंट इन the एज एन एनिमी एंड देर therefore देर there इज a नीड टू segregate those विद और अगेंस्ट द स्टेट वेल ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑप्शन बी को पढ़े मेनी गुड्स आर बीइंग मैनुफैक्चर क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी ओके वी हैव समथिंग फॉर क्वालिटी एंड एज कंज्यूमर्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आर राइट एंड द गवर्नमेंट शुड पेनालाइज देम हु इंडल्ज इन अनस्क्रपुलस बिजनेस प्रैक्टिसेस ठीक है तो हमारे पास एक सस्पेक्ट है ऑप्शन बी क्योंकि ऑप्शन बी में इस फॉर की जगह टू होना चाहिए ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं द डेस्पिकेबल अटैक ऑन द इंडियन आर्मी कैंप इन यूरी बाई पाकिस्तान इनफ्लेटर्स लास्ट सेप्टेम्बर एंड द इंसिडेंट्स परसिक्यूर एट एयरफोर्स बेस एट पठानकोट लेट टू रादर पिक्वेंट सिचुएशन in the world of art and culture in India. Well, this is a very interesting sentence and it is also grammatically correct. यहाँ पे जो दो शब्द हैं मैं आपको उनका मतलब बताती हूँ. Despicable का तो मतलब होता है deserving hatred or contempt. तो Indian Army camp पे जो Yuri में थे जो Pakistan infiltrators freighters ने attack किया था, उसे despicable word use किया गया यहाँ पे यानी कि deserving hatred or contempt. और यहाँ पे एक और शब्द use किया गया है that is piquant, which refers to the funny situation जो कि world of आर्ट एंड कल्चर में हो गई थी ये तो आप भी जानते हैं जो हसल क्रिएट हो गया था सिनेमा के वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं उसे रिफर कर रहा है बट टॉकिंग अबाउट ग्रामर परस्पेक्टिव दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट देन वी हैव आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दवर्नर सफिशियंट डिस्क्रिप्शनरी पावर्स टू स्टिपुलेट टर्म एंड कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ द फ्लोर टेस्ट ये भी सही है Then we have extending gains for fourth straight season. Indian equity market started Tuesday's trading session on a higher note with mid cap and small cap indices outperforming the frontliners. Well, ye aapka thoda sa time consuming ho gaya. मगर आप चाहते तो यहाँ पे भी इसको पढ़के छोड़ सकते थे क्योंकि हमें अपनी error option B में मिल गई थी. I read all the options for your satisfaction. वेल well, यहाँ पे जो एरर थी वो थी फॉर यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है फॉर का यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए था टू क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड टू क्वालिटी एंड एज कंज्यूमर्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ अर राइट्स तो यहाँ पे हमें सही जवाब अपना पता चल गया एंड दैट इज सेंटेंस बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट हैज ग्रामेटिकल एरर इन इट नेक्स्ट क्वेश्चन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो फोर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंगेटेड चूज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस इफ़ नन एम्प्लाइज चूज़ ई एज योर आंसर तो इस तरीके का सेंटेंस हम अभी पहले भी कर चुके हैं जहाँ पर आपको ए, एक आइडिया दिया जा रहा था सेंटेंसेज में और सेम ही चीज़ कही जा रही थी हर सेंटेंस में बस एक छोटी सी ग्रामेटिकल एरर थी वहाँ पर द की तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है हमें वो सेंटेंस चूज करना है जो बेस्ट उस आइडिया को रिफर करें तो आइए पढ़ते हैं The first sentence, option A is Most bacterial population grown in controlled conditions will quickly expand. Okay, to limit the food supply, will have produced toxic waste to products that inhibit further growth and also will reach an equilibrium state within a relatively shorter time. Option B is Most bacterial population growth in controlled conditions will quickly expand. To limit the food supply, produce toxic waste products that inhibit further growth and equilibrium state within relatively short time. Okay, so here, and होना Then we have most bacterial population grown in controlled conditions will quickly expand.

तो अगर हम सेंटेंस ए की बात करें तो मेन वर्ब्स हैं इसमें वो अलग अलग फॉर्म में यहां है यहाँ पे एक्सपैंड है प्रोड्यूस्ड है रीच है तो ये गलत हो गया सिर्फ ऐसा हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी जिसमें जो मेन वर्ब्स है सारे सेम फॉर्म में है जो कि एक्सपैंड प्रोड्यूस एंड रीच अगर आप ऑप्शन सी को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी यू हैव रीच्ड प्रोड्यूस एंड एक्सपैंड ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो आपके पास है एक्सपैंड रीच्ड

रिक्वायर्ड बाय जो होता है ए इम्प्लीकेट करता है एज अ मीन्स टू समथिंग जिसे हम जानते हैं साधन साधन नाम से तो उसने आइडेंटिफाई करी मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स जो साधन हो सकती थी मॉडर्न लाइफ की तो रिक्वायर्ड बाय यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए बाय तो ये फॉर जो है वो है हमारे ऑप्शन बी में तो इसीलिए बी इज दी करेक्ट आंसर बिकॉज इस पार्ट में एरर है फॉर की जगह पे यहाँ होना चाहिए था बाय आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं दे आर न्यू पैटर्न क्वेश्चन एज वेल जरूरी नहीं यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली वट यू हैव टू डू इस आप स्विच करिए क्वेश्चन के बीच जैसे कि ये क्वेश्चन था इट वॉज रिलेटिवली ईजियर जो कि हमने पहले क्वेश्चन कि आप इसे अटैम्प्ट कर सकते थे आपको उन क्वेश्चन को चुन के अटैम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में जो आपको स्कोर कराएं एंड इफ यू हैव इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट तो चांसेस मत लीजिए स्किप कर दीजिए एंड बाई द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एरर्स की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सेंटेंस एरर जो होती हैं, जिनमें आपको छ पांच सेंटेंस पढ़ने होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। आप उसकी जगह पे वाले भी के पहले कर सकते है। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन है और ये एक वर्ड यूजेज का क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन को देखते हैं इन दिस क्वेश्चन बिलो आर फाइव सेंटेंसेस पांच सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं ईथ सेंटेंस हैज ए पेयर ऑफ वर्ड फ्रेजेजेड हर सेंटेंस में एक पेयर है वर्ड का या फ्रेज का जो हाईलाइट किया गया है उन हाईलाइटेड वर्ड या फ्रेज में से आपको वो फ्रेज चुनना है जो सबसे करेक्ट है उस सेंटेंस के लिए देन बिलो द ग्रुप ऑफ सेंटेंस फाइव ऑप्शन ठीक है सेंटेंस के बाद आपको पाँच ऑप्शन दिए गए हैं उन पाँच ऑप्शन में एक सीक्वेंस दिया गया है जो कि उन दोनों शब्द में से आ इधर ए या बी का कोई सीक्वेंस है और आपको वो सीक्वेंस चूज करना है जो सही है ठीक है तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन में यू गाइज सेंटेंसेस यू हैव टू वर्ड्स इन ईच सेंटेंस जो बोल्ड करके या हाईलाइट करके आपको दिए गए हैं तो इन दोनों वर्ड में से यहाँ पे एक ही वर्ड कंटेक्स में फिट होगा और आपको वो वर्ड चुनना है अगर आपका आंसर यहाँ पे वन होता है तो वन फिर उसके बाद अगर इसमें टू होता है तो टू एंड सो ऑन आपका एक पैटर्न बनेगा वो पैटर्न आपको ढूंढना है यहां पे वो होगा आपका सही आंसर सो so, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं लेटस सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटस फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए सेज द स्टेज एक्टर वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ऑल्टर ऑल्टर हिज ए स्टाइल फॉर द रोल वेल दिस इज वेरी इजी यहाँ पे ऑल्टर ही आना चाहिए क्यों ऑल्टर आना चाहिए ऑल्टर का मतलब यहाँ पे है टू चेंज और ऑल्टर जो दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया गया है उसका मतलब होता है क्रिश्चियन चर्च और बी की तरफ बढ़ते हैं द वर्ल्ड नीड्स टू फाइंड मोर एंड मोर इंजीनियस एंड इंजीनियस वेज ऑफ डीलिंग विद येस्ट ठीक है तो यहाँ पे बहुत ही सिमिलर साउंड करने वाले आपको वर्ड्स दिए गए हैं मगर इनका मतलब अलग है अगर मैं बात करूँ इंजीनियर्स की जो कि वन में है उसका मतलब होता है इनोसेंट और अनसस्पेक्टिंग और अगर मैं बात करूँ इंजीनियर्स की तो इसका मतलब होता है क्लेवर और इन्वेंटिव तो वर्ल्ड नीड्स टू फाइंड आउट मोर क्लेवर वेज ऑफ डीलिंग विद ई वेस्ट या इन्वेंटिव वेज ऑफ डीलिंग विद ई वेस्ट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ये आउट ऑफ कंटेक्स चला जाएगा पार्ट वन तो इसलिए यहाँ पे टू सही आंसर होगा सी पे जाते हैं

उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन डी में द करंट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विल परपचुएट और परपेटुएट द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इफेक्ट द प्राइमरी सेक्टर एडवर्सली तो यहाँ पे आपको फिर से दो शब्द जो दिए गए हैं इन दोनों के मतलब अलग हैं अगर मैं बात करूँ परपेचुएट की तो परपेचुएट मतलब होता है कंटिन्यू तो कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे सही बैठेगा द करेंट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विल कंटिन्यू द इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर कंटिन्यू कह लीजिए या उसको बढ़ाना कह लीजिए एंड इफेक्ट द प्राइमरी सेक्टर एडवर्सली और दूसरा जो शब्द है पर इसका मतलब होता है टू कैरी और टू परफॉर्म तो कैरी और परफॉर्म ये इस कंटेक्स में ये शब्द बिल्कुल गलत है तो यहाँ पे A sentence D, -K -L -E, we have the correct answer that is 1. Now, moving on to sentence E, we have on a tour of suburbs, he could find attractive perennial plants with pretty pendant or pendant flowers across the road. Here we have two words pendant and pendant. They might sound similar, but they are totally different in their meaning. Where the first word that is pendant is a piece of jewelry, and the second word means hanging. So, it is saying that on a tour of suburbs, he could find attractive perennial plants with pretty hanging flowers across the road. Well, this is correct with the context. So, here we have all the sentences, we have found the correct word used in the And the sequence we have that is 1, 2, 1, 1 and 2. So, आपको क्लियरली अपना आंसर मिल गया है यहाँ पे एंड दैट इज वन टू वन वन टू ऑप्शन ए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है एंड सेंटेंस ए में ऑल्टर सही जवाब था जिसका मतलब होता है बदलना उसके बाद सेंटेंस बी में इंजीनियर्स हमारा सही आंसर था देन सेंटेंस सी में ऑर्डिनेंस था बिकॉज इट मींस वेपन्स देन सेंटेंस डी में हमारा सही आंसर है दैट इज वन जिसका मतलब होता था टू कंटिन्यू और उसके बाद e में so, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की और और इसी से ये सवाल भी होगा लेटे सी वॉट ऑल क्वेश्चन लेटेस सी हाउ कैन वी फाइंड आंसर टू दिस इसमें आप देख सकते हैं कुछ शब्दों का खेल है चाहे वो डिपेंडेंट हो पेनेक हो इम्पियस हो इम्पेरियस हो इन सब शब्दों का खेल है इसमें आपको आपकी वोकेबलरीरी स्ट्रॉन्ग करना एक की पॉइंट है यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब इस सवाल के लिए यू गाइज नीड टू नो द मीनिंग इसमें अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता है तो इसमें आपका कोई एस्केप रूट नहीं बनता है इफ़ यू आर कन्फ्यूज विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स देन यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन सो

बैंकर्स अड्डा पे डेली बोर्डलिस पढ़ सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप धीरे धीरे अपनी वो कैप बिल्डअप करिए नए शब्द सीखिए उन शब्दों का मतलब जानिए और उन्हें उस दिन में यूज भी करिए जिनसे आपको उनका मतलब ध्यान में रहे तो आइए इस सवाल को भी देखते हैं सेंटेंस एक कह रहा है तो विजिटिंग टीम कुड विन फर्स्ट क्रिकेट मैच विध पिनिया और पिनकी तो so, यहाँ पे जो दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इनमें जो पहला शब्द है ये तो बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है यूनिवर्सल क्योर पेनेशिया पेनेशिया मीन्स यूनिवर्सल क्योर और दूसरा जो शब्द है इसका मतलब होता है सेल्फ एश्योरेंस द विजिटिंग टीम को विन द फर्स्ट क्रिकेट मैच विथ सेल्फ एश्योरेंस जी हाँ इसका सही मतलब यहाँ पे बैठ रहा है सो टू इज़ द करेक्ट आंसर यह हम यहाँ लिखते भी चलते हैं कि हमें क्या आंसर मिला Sentence B may hai the peasant made sure his field remained imperious or impervious to any damage natural or unnatural. Well, imperious ka matlab hota hai commanding or arrogant. This adjective means being commanding or a person who is arrogant. Well, whereas the option two part or the second part which says impervious uska matlab hota hai, unable to be affected by.

एक चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट होता है वो निर्भर करता है तो वो है उस शब्द का मतलब और दूसरा शब्द है दैट इज़ डिपेंडेंट इट इट इज़ ए कंडीशनल ऑन ओके तो यहाँ पे ऑप्शन ई e जो है इसका क्लियरली आंसर हमें मिल गया है द लोकल इकोनॉमी इज स्टिल डिपेंडेंट यानी कि कंडीशनल ऑन या डिपेंड करती है निर्भर कर रही है ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर इट्स ग्रोथ तो डिपेंडेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ फैमिली मेम्बर हु डिपेंड्स ऑन यू तो यहाँ पर हमारा सेकेंड जो च्वाइस है वो करेक्ट च्वाइस होगी तो आप इसी के साथ आप देख सकते हैं कि क्या है सही आंसर वी हैड टू टू वन वन टू जहाँ की पहला आपका सही था पिना की एंड देन यू हैव इम्पोवियर्स उसके बाद था ब्लॉक देन यू हैड कैन एंड देन यू है डिपेंडेंट तो यहाँ पे आपका सही जवाब आपको मिल गया है विच इज ऑप्शन बी सो दिस क्वेश्चन वॉज अब लें दी और आई शुड से कि अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता था तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे आपके लिए बट इफ यू मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इट इज बेस्ट टू स्कू दे आपसे कहा जा रहा है कि गिवन बिलोज देंटेंस विच इज अंडरलाइंड एंड बिलो इट यू आर प्रोवाइडेड विद फोर ऑप्शन विच मे इम्प्रूव देंटेंस तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सवाल है यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसी के साथ आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो इस सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखे गए हों तो आपको चूज करना है द ऑप्शन बेस्ट द सेंटेंस आपको वो ऑप्शन चुनना है जो बेस्ट इम्प्रूव कर रहा है उस सेंटेंस को और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ई है ऑप्शन ई e, यहाँ पे यह नो एरर नहीं होना चाहिए था नन ऑफ अबव होना चाहिए था ठीक है तो आपके पास नन ऑफ द अबव भी है अगर आपको कोई भी आंसर सही नहीं लगता है चार ऑप्शन में से तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या आइडिया दिया जा रहा है या फिर क्या सेंटेंस दी गई है हमें देर इज अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट the implication of the CPEC China Pakistan चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक are the आर द मेजर कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट अमंग countries एंड हैज इंपॉर्टेंट implications फॉर द रीजन एज a होल ओके okay. तो आइए पढ़ते हैं जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी गई रही है तो ऑप्शन ए जो है दैट इज देर आर अदर रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैव एडेड टू हैल कॉम्प्लिकेशन एज फॉर इंस्टेंट द इम्प्लीकेशन ऑफ सी तो सीपीईसी सी सिंगुलर है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट है जिन्होंने एड ऑन किया है बोलेट्रल कॉम्प्लिकेशन को और एक एग्जाम्पल दिया गया है एज फॉर इंस्टेंस द देशन ऑफ सी पी ई सी तो सी पी ई सी यहाँ पे सिंगुलर है और विच इज दी जो लाइन यहाँ पे दी गई है दैट इज रेफरिंग टू सी पी ई सी तो एक चीज को रेफर किया गया है तो इज यहाँ पे करेक्ट होगा तो विच आर जो यहाँ पे दिया गया था दिस वॉज ए पॉसिबल एरर तो आइए आगे के सेंटेंस पढ़ते हैं ऑप्शन बी सेज देयर हैव बीन अदर रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैज एडेड टू ओके इसमें तो आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट्स कह दिया और यहाँ पे दैट हैज़ कह दिया वेल डेवलपमेंट्स इज प्लूरल तो हैज सिंगुलर कहाँ से यूज हो गया इट शुड बी हैव प्लूरल यूज होना चाहिए आइए ऑप्शन सी को पढ़ते हैं देयर कैन बी अदर रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट तो ऑलरेडी एडेड हो चुके हैं तो कैन बी दिस इज रॉन्ग या तो इन ऑप्शंस में बी और सी में हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें पहले ही गलती पता चल गई और हमें इनमें से वो चीज़ ढूंढनी है वो सेंटेंस ढूंढना है जो बेस्ट इंप्रूव करके लिख रहा है ऊपर वाले को तो वो इम्प्रूवमेंट ग्रामेटिकली इंप्रूवमेंट दिख रही है यहाँ पे क्योंकि बात तो वही कही जा रही है बट यू हैव टू फाइंड कि कौन सा वो सेंटेंस है जो बेस्ट ग्रामेटिकली इंप्रूव करके लिखा गया है उसे ऑप्शन डी हमारे पास बचता है आखिरी क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नो no एरर है और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ए है जिसमें अभी तक कोई भी एरर नहीं है तो ऑप्शन डी है देर डेवलपमेंट एव एडेड टू अदर रीसेंट डेवलपमेंट्स वेल यहाँ पे एक गलत टेंस का इस्तेमाल किया गया है व तो क्योंकि इन सब में कोई ना कोई दिक्कत थी तो हमने सारे ऑप्शन रूल आउट कर दिए हमने ऑप्शन ए में पहले ही देख लिया था वो सही है बट स्टिल हमने सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया क्योंकि हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन ए एंड इट इट इज ऑप्शन दैट बेस्ट रीस्टेट्स ही सेंटेंस देंटेंस गिवन टू अस

यहाँ पे बात हो रही है टेन इयर्स अगो और उसके बाद सिंस की तो एरर यहाँ पे यही है सिंस अगर आप ध्यान से पढ़ें इट वॉज ऑलमोस्ट टेन ईयर्स अगो सिंस ही रोड तो अगो के साथ सिंस का यूज प्रोहिबिटेड है अगो के साथ सिंस नहीं यूज होता है तो क्या आना चाहिए था इसकी जगह पे इसकी जगह पे आना चाहिए था दैट वेल इफ देर वॉज दैट इन प्लेस ऑफ सिंस करेक्ट बट एज इट इज सिंस It is wrong and the error is in part B. So it shouldn't be ten years ago since he wrote. It should be ten years ago that he wrote a letter to me. So ye question relatively easy tha you guys could have attempted this question. Aye agle sawal ki aur. सो so स्टूडेंट्स अब तक हमने बहुत अलग अलग क्वेश्चन करे एंड नाउ वी आर हेयर विद दी लास्ट सेट ऑफ टेन क्वेश्चन जो कि क्लोज टेस्ट है क्लोज टेस्ट अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी टाइम से पूछा आ रहा है एंड क्वाइट पॉसिबली आप लोगों ने भी बहुत सारे क्लोज टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करी होगी तो इस पेपर में जैसा कि हमने देखा दैट मेनी क्वेश्चंस वर ऑफ न्यू पैटर्न एंड दे माइट बी पजलिंग यू दैट हाउ टू सॉल्व देम इन दैट लिमिटेड टाइम ऑफ 12 टू 15 मिनट जो कि हम एडवाइस करते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए ऐसे सिनारियों में वॉट यू कैन डू अगर आपको ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन मिल रहे हैं जैसे कि क्लोज टेस्ट और एरर्स जो कि कन्वेंशनल थे और अगर आप उन्हें कर पा रहे हैं तो आप इनमें से उन क्वेश्चन को चुनिए और अपना स्कोर बनाइए और बचे हुए क्वेश्चंस को फिर देखिए तो आइए हम इस क्लोज टेस्ट को भी सॉल्व करते हैं लेट्स फर्स्ट डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग आर ब्लैंक्स बीन नंबर्स प्रिंटेड बिलो एंड अगेंस्ट ईच फाइव वर्ड्स आर सजेस्टेड एक ब्लैंक दिया गया है पैसेज uh, में हर लाइन में या फिर पैसेज में कई ब्लैंक्स दिए गए हैं ब्लैंक के साथ एक नंबर भी है उस नंबर के अगेंस्ट वो नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है उस नंबर के अगेंस्ट पांच ऑप्शन दिए गए हैं और उन पांच ऑप्शन में पांच शब्द हैं आपको वो शब्द चुनना है जो उस ब्लैंक में अप्रोप्रिएटली फिट होगा जो सही जवाब होगा तो आइए पढ़ते हैं पैसेज को ऑल द जॉन विजम्स राइटिंग इन फिलोसफी शो क्लियरली द इन्फ्लुएंस ऑफ वेडिंग ऑल्सो डिस्प्ले डैश ओरिजनैलिटी वेल द ऑप्शन हैव हैवि कंसाइज वर्चुअल मार्क्ट लिमिटेड रिलेटिव इसमें बिना किसी टाइम किए मार्क्ड ही सही आंसर है बिकॉज मार्क्ड का मतलब होता है क्लियरली नोटिसबल तो यहाँ पे जो बात हो रही है ऑल द जॉन विजम्स राइटिंग इन फिलासफी शो क्लियरली द इन्फ्लुएंस ऑफ विटिंग इज ऑल्सो डिस्प्ले मार्क्ड ओरिजनालिटी या क्लियर ओरिजिनालिटी वेरी मच नोटिसिबल ओरिजनालिटी तो मार्ग ही यहाँ पे सही आंसर होगा

तो तो पे यूज़ किया है उसके साथ आगे अगर हम बढ़े तो कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड ही यहां पे सही फिट होगा अगर आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे कहा जा रहा है डिस्पाइट

तो अगर हम पूरी लाइन को पढ़ें फिलिंग इन ब्लैंक्स डिस्पाइट दी कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ हिज स्टाइल अ केयरफुल रीडिंग ऑफ विजडम इज सेल्डम अगर इसके साथ हम ऑप्शन लगाएं अनप्रॉफिटेबल यानी कि आपसे कहा जा रहा है बहरहाल उसकी डिफ़िकल्टी स्टाइल जो थी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी मगर अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए द रीडिंग ऑफ विजडम इज़ सेल्डम सेल्डम अनप्रॉफिटेबल यानी कि हार्डली अनप्रॉफिटेबल होगा वो आपको तो यहां पे ऑप्शन ए ही सही आंसर है बिल्कुल नहीं। जो ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इनके में हमने यहां पे ब्लैंक्स को भर लिया। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं देन वी हैव ही इज यूनिक काइंड ऑफ जीनियस इन फिलोसफी दिस एसे इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ विजडम्स रिपीटेड अटेप टू डैश अल्टीमेट बेस ऑफ फिलोसोफिकल पर तो आपके पास जो 94 फोर क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दीज वर्ड्स माइट बी पजलिंग यू यहाँ पे कुछ टफ शब्द दिए गए हैं वो कैप के अनुसार आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए है जेटिसन देन यू हैव डी देन यू हैव ऑर्गूमेंट देन यू हैव फोर्टिफाई एंड देन यू हैव एक्सप्लोर मैं इन शब्दों के मतलब आपको बता देती हूँ जेटिसन का मतलब होता है टू थ्रो अ ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट और अ शिप उसके बाद डिलिमिट का मतलब होता है टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ समथिंग उसके बाद आपके पास है ऑर्गमेंट जिसका मतलब होता है इंक्रीज बढ़ाना देन यू हैव फोर्टीफाइ जिसका मतलब होता है कि सिक्योर और प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग फिर है आपके पास एक्सप्लोर एक्सप्लोर का मतलब आप जानते होंगे दैट इज टू इंक्वायर इन टू और टू एग्जामिन और टू एवेलुएट तो अगर हम अपना सेंटेंस पढ़ें हमसे कहा जा रहा था ही इज़ यूनिक काइंड ऑफ जीनियस इन फिलासफी दिस एस एज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ विजडम्स रिपीटेड अटेम्प्टू एक्सप्लोर दल्टीमेट बेस ऑफ फिलोसफिकल परी तो वो एक्सप्लोर करना चाह रहा था तो एक्सप्लोर ही यहाँ पे सही आंसर है जेटेसन डी लिमिट ऑर्गूमेंट फोर्टी फाइव नहीं फिट करेंगे क्योंकि मैंने आपको उनका मतलब बताया है उनका मतलब कंटेक्स में नहीं फिट हो रहा है देन यू हैव क्वेश्चन नाइन्टी फाइव आगे पढ़ते हैं अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विजडम इज डैश इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वाई मेटाफिजिक्स फीज डैश तो इस लाइन में भी दो ब्लैंक्स है आपके पास अ ग्रेट डील ऑफ टाइम अगर हमारे पास ऑप्शन जो है उन्हें हम पढ़ें पहला है एडमायरेबली देन यू हैव हैली देन यू हैव इन एंड हैप्पीली तो अगर मैं प्राइमरीली को लू अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विजडम इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वाई मेटाफिजिक्स फील्स तो प्राइमरीली यहाँ पे सही जवाब है क्योंकि प्राइमरीली रेफर करता है मेनली यानी कि काफ़ी समय तक विस्टम ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते थे फाइंड करने में या जानने में कि क्यों मेटाफिजिक्स फील वो आगे की बात है बट इस सेंटेंस में इस टाइम पे इस ब्लैंक में प्राइमरीली ही फिट हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास अपने पांच सवालों के जवाब आ गए हैं ऑप्शन क्वेश्चन 91 का है ऑप्शन सी दैट इज मार्क्ड क्वेश्चन 92 का आपके पास है कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑप्शन डी 93 का है अनप्रॉफिटेबल दैट इज ऑप्शन ए आंसर फॉर क्वेश्चन 94 फोर इज एक्सप्लोर ऑप्शन ई देन फॉर नाइनटी इज प्राइमरली दैट इज ऑप्शन बी दिट इज मूव सेट ऑफ फाइव क्वेश्चन तो हमने 95 तक कर लिया था आगे बढ़ते हुए 96 पे अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विजडम इज प्राइमरली यहाँ पे प्राइमरली है वी हैव दिस ब्लैंक प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वाई मेटाफिजिक्स फील्ड टू अटल सच स्ट्रेंज सेंटेंसिस फॉर एग्जाम्पल टाइम इज रियल दे आर नो मेटीरियल थिंग्स एक्सेट्रा तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन वी हैव डिप्रेस्ड कन्फर्म्ड एल्यूडेड कंपेल्ड एंड अडाप्टेड एल्यूडेड का मतलब होता है टू सजेस्ट और टू हिंट तो क्या यहाँ पे एल्यूडेड आएगा यहाँ पे सजेस्ट एंड हिंट किया जा रहा है

कंपेल्ड का मतलब होता है टू अब्लाइज और टू फोर्स और कंपेल्ड यहाँ पे सही जवाब है बिकॉज इट इज that ही इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट

ओके okay, अगर आप प्रीवियस लाइंस पढ़ेंगे तो आपको मतलब पता चल रहा है दैट ही इज इन फेवर ऑफ फाइंडिंग मीनिंग टू सच थिंग्स थिंग्स एक्सप्लोरिंग सच सो इल्यूमिनेटिंग इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर बिकॉज द सेंटेंस सेज अकॉर्डिंग टू विजडम सच सेंटेंसेस आर बोथ फॉल्स एंड मीनिंगलेस एंड येट मतलब वो कह रहे हैं कि वो फॉल्स हैं मीनिंग मगर तो मगर की अगर बात हो रही है तो कुछ अपोजिट ही होगा in words k, okay, and that is illuminating over here. then we have even more than wettinksen, wisdom has stressed the therapeutic conception of philosophy, a view that comes out clearly in this essay where he emphasizes the analogy between philosophical and neurotic distress, dash them with other kind of problem. so we have compelling, associating, contrasting, describing, and advocating. well, if you सी द वर्ड्स यू हैव कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंट्रास्टिंग मीन्स टू कंपेयर इन सच अ वे एज टू पुट एम्फेसिस ऑन द डिफ्रेंसेज इस तरीके से कंपेयर करना कि उनकी जो डिफरेंसेज हैं उन्हें हम हाईलाइट करें तो उसे कहते हैं कंट्रास्टिंग एंड जो हमारे पास लाइन दी गई थी वो थी

Thought is referred to his famous article. Well, Fuller dash. हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज comparison, एनालिसिस एग्रीमेंट elaboration और acquaintance. वेल दिस इज़ वेरी easy. यहाँ पे क्लियरली आप अगर acquaintance का मीनिंग जानते हैं देन इट मीन्स नॉलेज तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीडर जो इंटरेस्टेड है पूरी नॉलेज गेन करने में विजडम के जो थॉट्स हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं उनकी तो यहाँ पे एकवेंटेंस ही आएगा The reader who is interested in gaining a fuller acquaintance with wisdom's thought is referred to his refer jata hai unke famous article that is God in Philosophy and Psychoanalysis. Aage hai, the last line of this close test and the last question as well it is Other Mind is wisdom's most dashed discussion okay, of a single topic and in many ways his finest work. तो यहाँ पे अदम माइंड की बात करी गई है वो विजडम का डैश डिस्कशन है वो एक डिस्कशन है क्या डिस्कशन है वो हमें चुनना है तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास वी हैव ऑप्शन ए प्रोजेक्टेड देन वी हैव सस्टेन प्रोलॉन्ग प्रोलिफिक एंड ऑट्रीब्यूटेड डिस्कशन की बात हो रही थी अदर माइंड एक डिस्कशन है विजडम का तो उसके साथ जो बेस्ट बेस्टेड वर्ड है आपके पास है सस्टेन प्रोलॉन्ग एंड प्रोलिफिक ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो प्रोलोंग और प्रोलिफिक भी बहुत क्लोज ऑप्शन है सस्टेन के साथ साथ मगर यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सस्टेन्ड क्यों वेल सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड और आप कहेंगे कि प्रोलोंग और प्रोलिफिक का भी वही मतलब होता है कहीं ना कहीं हाँ मगर डिस्कशन वर्ड पे आप स्ट्रेस करिए वेल रिफरिंग टू दिस जब आपके पास क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं तो जो मोस्ट सूटेबल वर्ड होता है आपको वो यूज करना होता है और If I give you an example, for example, the discussions in courtrooms are sustained. So, with discussion, sustained is the appropriate answer. Prolonged or prolific, you answer because you sustained word. Hai. So, here for question number 100 and the last blank, you have sustained as the correct answer. So, we have solved all the questions, all the 10 questions of the closed test till now.

एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ें तो आप उनके आंसर पा सकते हैं वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू चूज़ दैट वॉट यू हैव टू अटेम्प्ट एंड वॉट यू हैव टू लीव मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बिकॉज इस पेपर में आपके पास तीस क्वेश्चन थे इंग्लिश सेक्शन में और आपको बारह से पंद्रह मिनट टाइम देना है जो कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ और इन 12 से 15 मिनट में 30 क्वेश्चन में से आपको उन क्वेश्चंस को चूज़ करना है जो आपके लिए आसान थे या जो आपके लिए रिलेटिवली इजी थे जिनका जवाब आप सही से दे सकते थे गुड अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो गुड अटैम्प आपको रखने थे अपने आठ से लेके कर दस के बीच मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज दिस पेपर वॉज रिलेटिवली टफ हमने इसमें आपको चालीस का चैलेंज भी दिया था तो अगर हम अप्रोच की बात करें इफ आई टॉक अबाउट द अप्रोच वाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ पेपर वाइल गिविंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट वट यू हैव टू सी इज़ यू हैव टू यूव इन वट क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट क्लोज टेस्ट दिस वॉज ऑफ कन्वेंशनल टाइप एंड आउट ऑफ टेन क्वेश्चन डू फाइव ईजीली सो You have to aim at four to five questions in close test. Then, if I talk about uh, reading comprehension, you had five questions of vocab and you had five questions from the RC in which you have to read through the RC and find the answer. Out of these five questions of vocab, if you were good at vocabulary, and as we have seen that yes, we were getting the answers from the passage by reading the lines, you could do two to three questions. And you could do two questions ये आपका एस्केप रूट हो जाता इसी के साथ आप अगर सेंटेंस एरर से एक या दो क्वेश्चन कर लेते तो आपका गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर निकल आएगा तो इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से ढूंढना है कि क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या आपको छोड़ना है और अगर मैं वर्ड यूजेज की बात करूँ इट वॉज सेंटेंसेस एंड इट वॉज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग और अगर उस क्वेश्चन में आपको उन शब्दों के मतलब नहीं पता है देन यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स सो इसी तरीके से यू गाइज हैव टू चूज दैट यू यू हैव हैव टू टू अटेम्प्ट एंड हाउ गेट क्लोज टू दैट गुड स्कोर एंड यू सर्टनली कैन डू इट विद करेक्ट प्रैक्टिस And with the right approach, you just have to stay calm and read the questions carefully. So, this was all about this detailed solution and mock discussion of SBI peer prelims. I hope that you guys will solve these questions on your own as well and then go through the solutions and find a better way and analyze how could you have improved. So, keep practicing and study smartly. All the best for SBI preparation and yes, SBI is possible. Thank you.